ओके बच्चों, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। देखो, मान लो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक पैराबोला बनता है ना, जब भी लिक्विड वेसल में रोटेट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। जिससे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताई थी, ये हमारी शेप थी कंटेनर की, बोलो बताई थी, ये क्या था, वाई मिन था। अगर ये ओरिजिन था तो इक्वेशन थी वाई इक्वल टू वाई मिन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, है ना। अगर मैं इसी को ओरिजिन ले लेता हूँ, मैं कुछ समझना चाहता हूँ, देखो क्या समझाता हूँ। तो वाई मिन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, अगर ये ओरिजिन है, क्योंकि वाई मिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, पक्का। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये देखता हूँ, देखो ध्यान से, ये है पूरा सिलेंडर, एक्चुअली मेरा सिलेंडर था ये, है ना, और इसकी एच हाइट है, और ये रेडियस क्या है सिलेंडर का, आर रेडियस था इस सिलेंडर का। ढंग से समझो, ये सिलेंडर था, ऐसे ढंग से समझो चीज को जो मैं बताऊं जाने जा रहा हूं, ये सिलेंडर है, और ये शेप ले ली लिक्विड ने ऐसे, ये लिक्विड है हमारा, बोलो ऐसे ही है ना, सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये कितना पानी है और ये कितना एम्प्टी है, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो मैं फिर से ऐसी शेप बना रहा हूँ, तो ये ओरिजिन था, ध्यान से देखो, तो मैंने ये करा, यहाँ से एक्स दूरी पे, या एक्स दूरी पे चलो एक डी एक्स लिया, डी एक्स एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया। देखो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आ रही होगी बात समझ में, एक छोटी सी, बोलो, ये छोटा सा सिलेंडर ले लिया, ये छोटा सा सिलेंडर पानी का, ठीक है। और ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, डीवी वॉल्यूम कितना होगा, डीवी वॉल्यूम 2 पाई आर एच डी आर, ये तो होगा 2 पाई आर एच इंटू डी आर, तो 2 पाई एक्स और एच बनेगा वाई इंटू डी एक्स बनेगा डीवी, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, एकदम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कि y की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, डाल दो तो dv कितना आएगा, 2 पाई x dx ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, सही है। तो dv कितना आएगा, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी बाहर निकाल दो, 2 पाई ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी बाहर निकाल दो, ठीक है ना, सॉरी dx है नहीं, dx तो कितना है, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब डी एक्स करेंगे, 2 से 2 अब एक काम करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 जी एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स कितना आएगा, आर, तो 0 से आर यानी आर की पावर 4 अपॉन 4, यही आ जाएगा बेटा, बोलो एकदम यही आ जाएगा वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ डालूँ y को डाल दूँ h ओमेगा स्क्वायर, x की जगह डाल दूँ r स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2g की जगह डाल दूँ अगर मैं h बाय r स्क्वायर, तो कितना आएगा, h बाय r स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2g की जगह अगर डाल दें 2 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 एच बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, कट गया ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ये पाई है ना, ये 2 कट जाएगा 4 से, चलेगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, यानी ये सिलेंडर का जितना वॉल्यूम था ना, उसका हाफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम होता है जो पानी का होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर।
ये जो पानी का वॉल्यूम होता है, ये जो पूरा सिलेंडर बनता है इसका हाफ वॉल्यूम होता है। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल भी कई जगह पे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बोलो। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा।